इतिहास एक ऐसा विषय है जो विभिन्न प्रकार के सब बिंदुओं को अपने आप में समेटे हुए है। दोस्तों, हम जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक स्थल किन किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। उनमें से प्यारे साथियों, देखिए, पहला आपका दिया है मोहन, और मोहन का मतलब होता है मोहन जोदड़ो। और मोहन जोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सिंह का मतलब होता है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए प्यारे साथियों, दिया है लोभ। लोभ का मतलब हो जाएगा आप में, देखिए, लो का मतलब हो जाएगा लो थल, लो थल। और भौ का मतलब हो जाएगा प्यारे साथियों भोगवा, यानी लोथल नदी, लोथल स्थल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। जबकि प्यारे साथियों, दिया है यहाँ पर हार। हार में हा का मतलब हो गया हड़प्पा। और प्यारे साथियों, हड़प्पा जो है, देखिए, इसमें दिया है र, और र का मतलब हो जाएगा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। प्यारे साथियों, दिया है काली घर। काली का मतलब हो जाएगा आपका काली बंगन। और काली बंगन प्यारे साथियों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? घर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो प्यारे साथियों, यह ट्रिक्स याद रखिएगा जो हमेशा एग्जामिनेशन में आपके काम आएगा, क्योंकि ये पूरा पुरातात्विक स्थल हमको हमेशा याद नहीं रहेंगे, लेकिन हमको मोहन सिंह लोभ में हार कर काली घर गया, ये ट्रिक्स हमेशा याद रहेगा। और इससे आपको इन पांचों पुरातात्विक स्थल जो है कहाँ किस नदी के किनारे बसे हुए हैं उनको आपको आसानी से पता चल जाएगा। और कोई भी कंपटीशन का ऐसा पेपर नहीं है जो इसमें से एक प्रश्न उठाता हो। प्यारे साथियों, तो इस ट्रिक को याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा। प्यारे साथियों, वीडियो को पसंद जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो बेस्ट ऑफ लक।